नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपी के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि चेन्नई सुपर किंग वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाना है। 26 तारीख शाम 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा और वानखेड़े के ग्राउंड में मुंबई में मैच खेला जाना है। और इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहेगी और कौन से प्लेयर को आपको लेना है, कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं, कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे और एक बड़ा प्लेयर नहीं खेलने वाला है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहीं से मैं आपको टीम भी बना लूँगा अपनी और पिच रिपोर्ट, जो भी प्लेयर मैं आपको बताने वाला हूँ पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, क्या मेरी टीम रहेगी, कौन से प्लेयर मैं लेने वाला हूँ और क्यों लेने वाला हूँ। ड्रीम इलेवन ओपन कर लिया है मैंने और सबसे पहले मेरी आईडी आपके सामने ओपन हो गई, देख सकते हो आप 301 लेवल है मेरा ड्रीम इलेवन पे और फॉलोअर्स कुछ देख ही सकते हो आप, ये सब है, मतलब हाईएस्ट फॉलोअर्स ड्रीम इलेवन पे आपके भाई के ही है, प्रूफ आपके सामने है। अब बात करते हैं आज के मैच की, आज नहीं है 26 तारीख को है, 2 डेज पहले ही वीडियो में बना के दे रहा हूँ भाई आपको, और 2 डेज पहले ही इतनी सारी न्यूज़ कलेक्ट कर ली आपके भाई ने, बहुत काम आने वाली है ये वीडियो आपके। ऐसा प्लेयर नहीं खेलने वाला है जिसको सब लोग ले रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कि भाई इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है। वानखेड़े के ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा और लास्ट मैच जो हुआ था वानखेड़े पे वो हुआ था टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए थे और उस मैच में मयंक अग्रवाल ने भी अच्छे खासे रन बनाए थे, तो पिच बैटिंग को भी सूट करती है और स्पिनर को सूट करती है। एजाज पटेल ने 10 लिए थे विकेट, मतलब पूरे 10 विकेट एक इनिंग में, 10 विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है और स्पिनर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था और स्पिन को मतलब ये ग्राउंड सूट करता है। और इंडिया की तरफ से भी अश्विन और अक्षर पटेल और जयंत यादव, इन तीनों ने बहुत विकेट लिए थे, तो साफ पता चल रहा है कि भाई पिच जो है स्पिन को सूट करेगी। इस मैच में आपको कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या है टेस्ट मैच जो था वो डे में खेला गया था और डे में क्या होता है सूरज निकलता है तो पिच जो है ड्राई हो जाती है, तो ड्राई पिच पे स्पिनर को टर्न मिलता है। बाकी जो नाइट का मैच होता है उसमें थोड़ा 19-20 कम फास्ट बॉलर को भी सूट करती है और स्पिनर को भी सूट करती है, तो आपको इस बात को ध्यान में रख के ही टीम बनाना है। ये नहीं कि आप बस स्पिनर ही भर लो, स्पिनर्स को भी लेना है आपको, स्पिनर को भी एडवांटेज है, बाकी पेसर्स को भी एडवांटेज है और बैटर्स को भी एडवांटेज है, रन भी काफी बनते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई पिच रिपोर्ट की बात, अब बात कर लेते हैं आज के मैच की टीम के बारे में, क्या मेरी टीम होने वाली है और किन किन प्लेयरों को मैं लेने वाला हूँ, क्यों लेने वाला हूँ और कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं, कौन से नहीं खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। विकेट कीपर सेक्शन में MS धोनी है, सेम बिलिंग से और यहाँ से जगदीशन है और SJackson है। भाई मेरे हिसाब से MS धोनी और सेम बिलिंग्स यही दोनों खेलने वाले हैं, दोनों विकेट कीपरिंग भी करेंगे और दोनों का बैटिंग ऑर्डर डाउन है। अगर जो टीम पहले बैटिंग करे बस सीधे सीधे आप उसका विकेट कीपर ले लेना। अगर CSK टीम पहले बैटिंग करती है तो MS धोनी, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बैटिंग करती है तो सेम बिलिंग्स। क्योंकि भाई देखो होगा क्या ना कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसी के विकेट कीपर की बैटिंग, मतलब उसी के टीम के विकेट कीपर को ज़्यादा बैटिंग करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके दो तीन विकेट तो गिरते ही आराम से, तो कुछ ओवर बैटिंग मिल जाती। बाकी अब रन चेस जो टीम कर रही है पता चल रहा है कि भाई पूरे 10 विकेट 9 विकेट 8 विकेट से जीत जाए और धोनी का और सेम बिलिंग्स का बैटिंग ऑर्डर है छठे नंबर पर, तो ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ से जगदीशन खेले तो बिल्कुल आप आग बंद करके ले लेना, जगदीशन ओपनिंग करता है भाई, ओपनिंग टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और अच्छा खासा खेल लेता है, तमिलनाडु लीग में तो भाई हर मैच में 50 शतक ऐसे रन बनाता है। तो मैंने बता दिया आपको जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसका विकेट कीपर मैं लूंगा, अभी के लिए मैं ले रहा हूँ सेम बिलिंग्स को। बाकी अगर CSK की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं लूंगा MS धोनी को, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में ऋतुराज गायकवाड़ है, श्रेयस अय्यर है, अंबाती रायडू है, नीतीश राणा है, एरन फिंच का कंफर्म नहीं है खेलेगा नहीं खेलेगा, अजिंक्य रहाणे खेलने वाला है, डेवन कोनवे ये भी खेलने वाला है, रोबिन उथप्पा का कंफर्म नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, बाकी यहाँ से बाबा इंद्रजीत
विकेट कीपर है पर बैटिंग सेक्शन में दिया हुआ है, और ज़्यादा कोई भाई खास है नहीं जिसकी मैं ज़्यादा बात करूँ। सीआरई निशांत ये भी ठीक ठाक है, पर ग्रैंड लीग में आप ट्राई करो भाई। बैटर्स तो बहुत सारे हैं, पर मैं किसको लेने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। मैं यहाँ से लेने वाला हूँ ऋतुराज गायकवाड़ को, सीएसके की टीम से ओपनिंग करेगा। मैं लेने वाला हूँ यहाँ से श्रेयस अय्यर को, कोलकाता की टीम से कैप्टन है और वन डाउन बैटिंग पे आपको बैटिंग करता हुआ नज़र आएगा। और भाई अभी देखोगे तो इंडिया के जितने भी मैच में हर मैच में श्रेयस अय्यर ही चला है। टेस्ट मैच देख लो, T20 देख लो, ODI देख लो, हर मैच में श्रेयस अय्यर ने मतलब रन बनाए हैं। तो श्रेयस अय्यर अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है, तो श्रेयस अय्यर को लेना तो बनता ही है। और भाई कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे खासे फॉर्म में है और आपको रन बना के दे सकता है। बाकी यहाँ से अंबाती रायडू चौथे पाँचवें नंबर पर आपको बैटिंग करके देगा CSK की टीम की तरफ से। बाकी नीतीश राणा भी चौथे नंबर पर ही बैटिंग करता हुआ नजर आएगा, या फिर पाँचवें नंबर पर भी आ सकता है। एरन फिंच का कंफर्म नहीं है, अगर खेलेगा तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से ओपनिंग करेगा। अगर एरन फिंच नहीं खेलता है तो यहाँ से अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करता हुआ आपको नजर आएगा। बाकी डेवन कॉनवे का खेलना कंफर्म है, सीएसके की टीम से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे दोनों ओपनिंग करने वाले हैं, तो मैं डेवन कॉनवे को भी लेने वाला हूँ। अभी के लिए मैं बस तीन ही बैटर्स ले रहा हूँ, बाकी यहाँ से और किसी को नहीं ले रहा हूँ। अब आ जाता हूँ मैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आंद्रे रसेल खेलने वाला है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों आपको करके देगा। बैटिंग में भी भाई अगर टीम को ज़्यादा हाई स्कोरिंग, जैसे फर्स्ट बैटिंग है कोलकाता की और कोलकाता को अपना मतलब स्कोर तेजी से आगे बढ़ाना है तो आंद्रे रसेल को ऊपर पहुंचा देंगे, या फिर अगर कोलकाता के विकेट जल्दी चले गए तो आंद्रे रसेल की बैटिंग आ जाएगी। मतलब आंद्रे रसेल को बैटिंग मिलना कंफर्म रहता है मतलब हर मैच में, क्योंकि भाई हार्ड हिटर है और कम ही बॉल में ज़्यादा रन मार देता है, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है। चाहो तो आप बिल्कुल कैप्टन भी बना सकते हो, चार ओवर आपको बॉलिंग भी डाल के देगा और तीसरे चौथे या फिर पाँचवें नंबर पर कहीं भी आपको बैटिंग करता हुआ नजर आएगा। पाँचवें नंबर तक के, छठे पे नहीं, बस पाँच नंबर तक के आपको बैटिंग करता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी यहाँ से मोइन अली नहीं खेलने वाला है, और मोइन अली की ही बात कर रहा था मैं, वीडियो शुरू जब मैंने करी थी मैंने बताया था आपको एक बड़ा प्लेयर नहीं खेलेगा तो वो है मोइन अली। मोइन अली ये मैच मिस करने वाला है, क्या है कि मोइन अली का वीज़ा डिले हो गया है तो इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल आप ट्राई मत करो। सब लोग देखो 69% सिलेक्शन है मोइन अली का, पर खेलेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। बाकी यहाँ से रविंदर जडेजा को मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि पिच जो है स्पिन को सूट करती है और रविंद्र जडेजा बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चाहो तो आप बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन भी रविंद्र जडेजा को ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से सुनील नारायण, भाई सुनील नारायण का CSK के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और सुनील नारायण इस मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि CSK की टीम में लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा है, रविंद्र जडेजा, डेवन कॉनवे और एक दो और हैं लेफ्ट हैंडर्स, तो सुनील नारायण लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग डालता है, विकेट ले लेता है लेफ्ट हैंडर्स, क्या राइट हैंडर्स को भी आउट कर देता है। MS धोनी के खिलाफ भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है सुनील नारायण का, एक भी चौका नहीं मारा आज तक के MS धोनी ने सुनील नारायण को, सोचो। तो सुनील नारायण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सिलेक्शन भी बहुत कम है पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई, एक तरफ आपको मैच जिता के दे देगा, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों जगह से पॉइंट आपको मान के चलो लेके देने वाला है इस मैच में, तो मैं सुनील नारायण को इस मैच में लेने वाला हूँ। बाकी यहाँ से मिचेल सेटनर को मौका दिया जा सकता है, मोइन अली तो खेलेगा नहीं, और शिवम दुबे को मौका मिलेगा भाई। शिवम दुबे आपको 6 से 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करता हुआ नजर आएगा, या फिर शिवम दुबे को मोइन अली की जगह पे वन डाउन बैटिंग पे भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, शिवम दुबे भी हार्ड हिटिंग कर लेता है और तेजी से रन बनाता है, तो भाई देखो शिवम दुबे आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों करके दे सकता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी के लिए नहीं ले रहा हूँ मैं, पर बता रहा हूँ आपको ले भी सकता हूँ, शिवम दुबे इम्पोर्टेंट है ज़रूर। और यहाँ से अनुकूल रॉय है, चमिका करुणा रत्ने है, खेलेगा चमिका करुणा रत्ने तो इम्पोर्टेंट रहेगा, डेथ ओवर्स में बॉलिंग डालता है प्लस बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। और यहाँ से डी पिटोरियस
खेल सकता है मोइन अली की जगह पे, मोइन अली है नहीं है। तो भाई देखो कोई भी टीम क्या है, चार ही विदेशी प्लेयर खिला सकती है। तो मान के चलो डेवन कॉनवे और कुछ बॉलर्स भी हैं विदेशी सीएसके की टीम में, तो वो भी खेलेंगे। अभी के लिए मैं बस तीन ही ऑलराउंडर ले रहा हूँ, बाकी यहाँ से वेंकटेश अय्यर भी है। वेंकटेश अय्यर सीएसके वो कोलकाता की टीम से ओपनिंग करेगा। वेंकटेश अय्यर को अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, लूंगा अभी अभी आपको वीडियो में बता दूंगा लूंगा कि नहीं लूंगा। अब आ जाता हूँ मैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ओ बॉलिंग सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन से तो मैंने तीन प्लेयर ले लिए, अब आ जाता हूँ मैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में पेट कमिंस खेलने वाला है, और यहाँ से एडम माइल कंफर्म नहीं है खेलेगा नहीं खेलेगा। क्रिस जॉर्डन खेलने वाला है, पेट कमिंस को मैं लूंगा, क्रिस जॉर्डन को मैं लूंगा, और यहाँ से ड्वेन ब्रावो 100% कंफर्म है कि ड्वेन ब्रावो खेलेगा ये मैच, और पूरे आपको चार ओवर बॉलिंग डाल के देगा। और भाई क्या है कि ड्वेन ब्रावो की बैटिंग भी आ जाती है, अगर सीएसके के बैटिंग विकेट गिरेंगे तो ड्वेन ब्रावो आपको बैटिंग भी करके दे सकता है। तो ड्वेन ब्रावो भाई दे तो ओवर में बॉलिंग भी डालता है। एमएस धोनी का सबसे भरोसेमंद बॉलर कोई है तो वो है ड्वेन ब्रावो, तो ड्वेन ब्रावो को मैं लेने वाला हूँ। और बाकी अब बचा मेरे पास में एक प्लेयर, नो क्रेडिट है मेरे पास में। अगर मैं चाहूँ यहाँ से तो वरुण चक्रवर्ती को ले सकता हूँ, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो उमेश यादव को ले सकता हूँ, शिवम मावी को ले सकता हूँ, दीपक चेर को भी मैं ले सकता हूँ, दीपक चेर भी खेलने वाला है। पर मैं ले रहा हूँ एक ऑलराउंडर को, वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर भाई लास्ट जो सीजन गया था, कोलकाता अगर फाइनल में पहुंची थी ना तो वो वेंकटेश अय्यर की वजह से पहुंची थी। वेंकटेश अय्यर आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट दिलाने वाला है, और भाई बैटिंग में अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है। अगर आप चाहो तो वेंकटेश अय्यर की जगह पे वरुण चक्रवर्ती को भी ले सकते हो, या फिर दीपक चेर को भी ले सकते हो, पर मैं वेंकटेश अय्यर के साथ में जाऊँगा। और ये मेरी टीम रहने वाली है भाइयों। और अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन में किसको बनाने वाला हूँ, वाइस कैप्टन में किसको बनाने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। और हाँ उससे पहले आपको बता दूँ कि भाई अभी तक के आपके भाई ने 87 ग्रैंड लीग्स विन कर ली है, 87 ग्रैंड लीग्स। अगर आपको मेरी बात पे डाउट लगता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस कमेंट बॉक्स में भी आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। बाकी भाइयों देखो मैंने अभी तक के 87 ग्रैंड लीग्स विन करी है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कैसे मैं ग्रैंड लीग्स विन करता हूँ और कैसे मैं खेलता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है इन्वेस्टमेंट की। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई, वो दोनों वीडियो आप ध्यान से देख लेना। मैं बता रहा हूँ आपको कोई हरा नहीं पाएगा, और आप अगर आपका सपना है ग्रैंड लीग्स विन करने का तो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। सब कुछ बताया मैंने कैसे मैं ग्रैंड लीग्स विन करता हूँ, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो भाई सब लोग बना रहे हैं यहाँ से श्रेयस अय्यर को, और श्रेयस अय्यर ठीक ठाक भी है, और ऋतुराज गायकवाड़ भी ठीक ठाक है, पर मैं बनाने वाला हूँ भाई आंद्रे रसेल को। आंद्रे रसेल को मैं कैप्टन बनाने वाला हूँ, और वाइस कैप्टन मैं बनाने वाला हूँ भाई सुनील नारायण को। क्यों बनाने वाला हूँ इन दोनों को मैं भाई, आंद्रे रसेल जो है बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, और टीम को अगर ज़्यादा वो तो आंद्रे रसेल की बैटिंग आना कन्फर्म रहती है, और तीन चार ओवर आपको डाल के देगा ही देगा, डेथ ओवर में बॉलिंग डालता है। लास्ट सीजन आप याद कर लो 5-5 विकेट लिए थे एक एक मैच में, तो आंद्रे रसेल इंपॉर्टेंट है। और सुनील नारायण को मैं इसलिए वाइस कैप्टन बना रहा हूँ क्योंकि सुनील नारायण का सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और सीएसके की टीम में लेफ्ट हैंडर्स भी है, तो मैं इसलिए सुनील नारायण को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। बाकी बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है सुनील नारायण, तो ये दोनों मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। बाकी अगर इस टीम में कुछ भी अगर चेंजेस होंगे तो उसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ मैच के 1.5 घंटे पहले मैं लाइव सेशन भी करूँगा, लाइव सेशन में जो भी न्यू अपडेट आएगी सब कुछ आपको लाइव सेशन में पता चल जाएगी। तो भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे @SMSH ठाकरे सर्च कर लेना। 75,000 अभी तो खैर 75,000 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वो बढ़ जाएंगे, पर आपको लिंक ध्यान में रखना है, लिंक को देख कर ही आपको ज्वाइन करना है, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है
उससे आप ज्वाइन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाइयों ये मेरी टीम है, बता ही दिया मैंने, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसकी अपडेट आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे मिलेगी। तो धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग हो।